अस्सलाम वालेकुम। आज के हैं इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी ट्रुथ टेबल और सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन थ्रू के मैप। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस के कौन कौन से रूल्स एंड लॉज थे, पोस्टुलेट्स कौन से थे और कहाँ पे यूज़ हो रहे थे या किसका जो वेरीफिकेशन थी थ्रू ट्रुथ टेबल। आज हम देखेंगे कि हम के मैप को या उन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं थ्रू के मैप। ओके, आज के इस कॉन्टेंट में जो हमारे पास चीज़ें होंगी, हम देखेंगे के मैप होता क्या है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के मैप कैसा होता है, इनके ग्रुपिंग कैसे होती है, हमारे पास SOP और POS क्या चीज़ है, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, डोंट केयर्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो या 3 या 4 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, हमारे पास 3 तरह के मेथड आते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड है हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन में जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पोस्टुलेट्स, जो थ्योरम्स देखे थे, उनको अप्लाई करते हुए हम अपने वेरिएबल्स को मिनिमाइज करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास के मैप का। के मैप एक सेल है, एक एरेज ऑफ सेल है, रोज और कॉलम्स ऑफ सेल है, जिसको यूज करते हुए हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं और अपनी जो इक्वेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये के मैप 2 वेरिएबल के ऊपर भी काम करता है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जितने ज़्यादा आपके पास वेरिएबल होंगे उतने ज़्यादा आपके पास या उतना बड़ा आपके पास के मैप बन सकता है। के मैप, बुलियन एक्सप्रेशन और आपका जो थर्ड मेथड है उससे ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर जितने भी आपके ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ होती हैं सब सामने आपके पास गिवन होती हैं, आप उनको देखते हुए, उनको ग्रुप करते हुए आप अपने वेरिएबल को सिंप्लीफाई करते हो, एलिमिनेट करते हो। हम 3 वेरिएबल के मैप की बात अगर करते हैं तो 3 वेरिएबल के मैप के अंदर 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3 इनपुट हो सकते हैं। जब हम यहाँ पे बोलते हैं वेरिएबल एक्सप्रेशन की तो हम बात कर रहे होते हैं इनपुट्स की, कोई से भी 3 वेरिएबल इनपुट्स हमारे पास हो सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, एक्स वाई जी भी हो सकता है हमारे पास यही। इन 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास टोटल 8 सेल बनते हैं। 8 सेल हमारे पास बनता है 2 की पावर 3 के लिहाज से, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 सेल्स हमारे पास बन रहे होते हैं। 8 सेल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 8 मिनिमम टर्म्स को और 8 मैक्स टर्म्स को। के मैप रोज के अंदर भी और कॉलम्स के अंदर भी अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। बाय सेइंग रोज एंड कॉलम हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, ये वर्टिकल भी बन सकता है इसमें और ये इसके अंदर हॉरिजॉन्टल भी बनाया जा सकता है। ओके, हम बात करते हैं अपने 4 वेरिएबल के मैप की। 4 वेरिएबल के मैप के अंदर हमारे पास 16 सेल्स होते हैं। इन 16 सेल्स के अंदर हमारे पास 16 मिनिमम टर्म्स और 8 मैक्स टर्म्स होती हैं। 4 वेरिएबल के मैप के अंदर हम 4 वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब 4 वेरिएबल कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी इनपुट के नेम हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी हो सकता है, EFGH भी हो सकता है, कोई से भी वेरिएबल या वेरिएबल के अलावा कोई भी दूसरे नाम, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 करके कुछ भी हो सकता है। 4 वेरिएबल के मैप हमेशा आपके पास स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर बन रहा होता है, इसके अंदर कोई भी रोज या कॉलम या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं होता। 3 वेरिएबल के मैप को अगर हम देखते हैं, जैसा भी हमने कहा कि वो रोज एंड कॉलम्स में या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनता है, तो उसकी कुछ शेप इस तरह की बन रही होती है। इसकी अगर बात करते हैं पहले वाले के मैप की, तो ये पहला वाला जो के मैप है हमारे पास, ये है आपके पास वर्टिकल या कॉलम
और दूसरा जो की मैप है आपके पास यहाँ पे राइट पे, ये आपके पास कहला रहा है हॉरिजॉन्टल या रॉ। तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे तीन इनपुट दिखाए हुए हैं, ए बी और स्लैश डालकर सी। ये जो स्लैश डालकर सी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये ऊपर यहाँ पर इसकी वैल्यूज गिवन है, जो स्लैश से पहले लिखी हुई है, जो इस बार से पहले लिखे हुए हैं वेरिएबल, उनको हम नीचे लिख रहे होते हैं उनकी वैल्यूज। ओके, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लैश या इस बार से पहले लिखा हुआ है उसके इनपुट्स या उसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और स्लैश के बाद जो दो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज़ को हमने बाद में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ओके, अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं, कोई भी वेरिएबल चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, डी है, ई है, एफ है, कुछ भी, अगर हम लेट से ए की बात करते हैं, तो कोई भी एक वेरिएबल दो तरह के इनपुट्स को डिजिटल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा, या तो वो जीरो होगा या वो होगा वन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लेट से सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, थ्री वेरिएबल में सी की बात करते हैं, सी या तो जीरो होगा, ये रहा सी का जीरो, या सी वन होगा, ये रहा वन। वैसे जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं, यहाँ पे ए अकेला है तो ए या तो जीरो होगा या ए वन होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए, ए और लेट से मेरे पास बी, दो वेरिएबल हो गया, अब ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो इनपुट्स चाहिए होंगे, यहाँ पे दो नंबर चाहिए होंगे, एक नंबर जो मेरे ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा नंबर जो मेरे बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हम ट्रुथ टेबल के लिहाज से देखें तो ये इस तरह से बन रहा होता है, समथिंग 0 1 0 1, और इसकी बात करते हैं तो ये बनता है 2 0 और 2 1, सॉरी ये भी 1 है, 2 0 और 2 1। इस फॉर्मेट के लिहाज से ये एक ए बी हो गया, एक ये ए बी हो गया, एक ये ए बी हो गया, और एक ये नीचे फोर्थ वन हमारे पास ए और बी गिवन है। अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं, दो वेरिएबल, ये दो वेरिएबल हमारे पास गिवन है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इसमें जो पहला नंबर है वो हमारे पहले अल्फाबेट या पहले वेरिएबल को शो कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे पहला है वेरिएबल मेरे पास ए गिवन है, तो यहाँ पे पहला नंबर मुझे ए को शो कर रहा है, दूसरा वेरिएबल बी गिवन है तो यहाँ पे दूसरा नंबर मेरे बी को शो कर रहा है। वैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यहाँ पे पहला नंबर मेरे बी को शो कर रहा है, क्योंकि बी यहाँ पे मेरे पास इस पेयर में पहला वेरिएबल बी है, और दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या है, 0 1। इसको समझाने के लिए, क्लियर नहीं नज़र आया था कि इसको मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे जो पहला अल्फा वेरिएबल है वो ए है, तो इसलिए पहले वाले जितने भी नंबर हैं वो ए को शो कर रहे हैं, और दूसरे वाले जितने भी नंबर हैं वो मेरे बी को शो कर रहे हैं। लेट्स से ये सारे नंबर मेरे ए को शो कर रहे हैं यहाँ पे, और उसी तरह से ये सारे नंबर मेरे बी को शो कर रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनके अंदर मुझे इस तरह से यूँ वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ेंगी। इसके अंदर जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बी को शो कर रहा है, सेम गोज़ फॉर दिस, ये भी बी को शो कर रहा है, ये भी बी को शो कर रहा है, और ये भी मेरे पास बी को शो कर रहा है, पहला अल्फ़ाबेट जो है। जो यहाँ पे दूसरा अल्फाबेट है वो सी को शो कर रहा है, ये भी सी को शो कर रहा है, ये सी को शो कर रहा है, वैसे ये सी को शो कर रहा है। अब हमने यहाँ से देख के निकालना होता है, यहाँ पे ये तो हो गए हमारी इनपुट्स की वैल्यू। ओके, एक चीज़ का और अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, तो जब हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे एंटर किया, या अगर हम इस ट्रुथ टेबल और इन वैल्यूज़ के लिहाज से देखते हैं, तो हमारे पास ट्रुथ टेबल में वैल्यू होती है 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 आपके डेसिमल में जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 0 1 1 को, 1 0 2 को, और 1 1 हमारे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, 0 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 0 1 1 को, 1 1 3 को, और 1 0 2 को। हमने इन दोनों की प्लेसेस को आपस में स्विच करा हुआ है। इनकी प्लेसेस को आपस में स्विच करने का वजह यह है कि हम एट अ टाइम किसी एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, किसी एक ही वेरिएबल को ऑन से ऑफ
ये कहें 0 से 1 या 1 से 0 ऑन से ऑफ से ऑन की तरफ लेके जा सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं 0 0 में दोनों हमारे पास वेरिएबल ऑफ थे, हमने सिर्फ बी को ऑन कराया इस स्टेट में। अब अगर इस स्टेट में मैं 1 1 की जगह मैं यहाँ पे लिखूँ 1 0 जो कि हमारे ट्रुथ टेबल के लिहाज से आना चाहिए था, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये 1 की स्टेट भी चेंज हो रही थी और इस 0 की स्टेट भी चेंज हो रही थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम इन दोनों स्टेट को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, हमें बिट बाय बिट अपने वेरिएबल्स को चेंज करना होता। तो हमने क्या करा, 1 को एज इट इज़ रहने दिया और 0 को चेंज कर दिया। अब हमारी ये वाली जो कंडीशन थी 1 0 वाली, उसको हमने उठाकर नीचे की तरफ रिप्लेस कर दिया। ये तो बात हो गया हमारे इनपुट्स की कि हमारे वेरिएबल के अंदर कौन से इनपुट्स आ सकते हैं जीरोज़ और वन के लिहाज से। इन जीरोज़ और वन के अलावा जो हमारे पास काउंटिंग लिखी हुई नज़र आ रही है ये मिडिल में, ये हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रिस्पेक्टफुली उस जगह पे या उस अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट में जो हमारा आउटपुट निकल रहा होता है। अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट में मुराद ये है कि अगर लेट से कि 0 0 पे मैं यहाँ पे और गेट बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास F गिवन है और मैं और गेट बना रहा हूँ, तो और गेट में क्या होता है, कोई भी एक 1 आए मेरे पास आउटपुट 1 हो जाता है, ये 0 हो गया और बाकी तीनों मेरे पास 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब अगर मैं इसको ट्रुथ टेबल में लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, जहाँ पे मेरे पास A और B 0 होंगे मैं उसके आगे वाले खाने में 0 लिख दूंगा। अभी तो सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए, जैसे ये 0 1 2 3 4 है तो ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 4। यहाँ पे इस 0 का मतलब ये है कि आपके पास तीनों वैल्यू आपके पास 0 आ रही हैं। इस 1 का मतलब ये है कि आपके पास दो वैल्यू 0 और 1 बना रही है, ये डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं। इस 2 का मतलब ये है, अगर मैं इस 2 को 3 वेरिएबल या 3 इनपुट बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास 2 इस तरह से बनता है 0 1 0। 3 की बात करता हूँ तो 3 मेरे पास इस तरह से होता है 0 1 1, A0 B1 C1। इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखें A0 B1 और इसी के कॉलम में तीसरा जो सी था वो क्या है, 1। 6 की बात करते हैं तो 6 हमारे पास क्या होता है, 1 4 5 6 और 1 7, A और B1 है, C0, ये रहा A और B1 और C0। यहाँ पे हर कॉलम आपके पास, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके जो वेरिएबल हैं दो वेरिएबल और फिर स्लैश तीसरा वेरिएबल लिखा जाएगा। 4 की बात करते हैं, 4 होता है मेरे पास 1 0 0 बाइनरी के अंदर, तो यहाँ पे हम एक स्लैश डाल देते हैं। अब इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ए और बी को शो कर रहा है और थर्ड वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर सी को शो कर रहा है। वैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास 4 है 1 0 0, ये 1 0 0 यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट के बाद स्लैश था तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट के बाद स्लैश लगा दिया। अब ये ए को शो कर रहा है और ये दो वेरिएबल, बाकी के दो वेरिएबल बी और सी को शो कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे पास 3 वेरिएबल का। हम आगे जाके देखेंगे कि इनके जो आउटपुट हैं, जैसे अभी मैंने बताया एफ़ की वैल्यूज़, उसको हम किस तरह से इसके अंदर प्लेस करते हैं और फिर उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है वो हम आगे की स्लाइड्स के अंदर हम देख रहे होंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के बाद हमारे पास आता है 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के अंदर हमारे पास 4 वेरिएबल जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं A B C और D। ए बी सी और डी आपने वैसे ही दो वेरिएबल जो स्टार्टिंग के हैं वो आपको नीचे की तरफ या कॉलम के अंदर उनकी वैल्यूज नज़र आ रही होंगी। AB, ये AB को शो कर रहा है, ये AB को शो कर रहा है, ये AB को शो कर रहा है, ये AB को शो कर रहा है। स्लैश के बाद जो दो वेरिएबल हैं आपके पास, ये दो वेरिएबल आपको यहाँ पे रॉज में नज़र आ रहे होंगे, ये AC D, ये CD, ये CD, ये CD। इन सी होता क्या है कि इनकी वैल्यूज़ को हम नोट कैसे करते हैं, ये जो CD की वैल्यूज़ हैं, ये जो CD की 0 0 वैल्यू है, ये इन सारे सेल्स के अंदर आ रही है। वैसे अगर मैं इस 0 0 की बात करता हूँ तो इस 0 0 की सारी वैल्यू मेरे पास इस सेल के अंदर आ रही है, इस सेल के अंदर आ रही है, इस सेल के अंदर आ रही है और इस सेल के अंदर आ रही है। वैसे इस 0 1 की वैल्यू मेरे पास इस सेल के अंदर आ रही है, इस सेल के अंदर आ रही है, 5 में 7 में 6 में। बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि 0 0
जीरो जीरो मेरे पास गिवन है, जीरो वन गिवन है, वन वन गिवन है और वन जीरो गिवन है। यहाँ पे भी वही रूल आ रहा होता है वन वन और वन जीरो का। एक बिट को चेंज कर सकते हैं इसलिए वन को ऐसे ही रहने दिया और सिर्फ जीरो को चेंज करा है। यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है, क्योंकि अब यहाँ पे भी मेरे पास दो वेरिएबल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों उसमें दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे भी जो तीसरी वैल्यू होगी उसके अंदर वन वन और फिर चौथी वैल्यू वन जीरो लिख रहा हूँगा। क्योंकि हमारे पास फोर वेरिएबल, अब हम बात करते हैं कि हम अपने इन वेरिएबल्स को किस तरह से ग्रुप करेंगे। हम जब भी ग्रुप बनाते हैं कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वंस या दूसरे जो नंबर्स हैं, वंस और मोस्टली डोंट केयर्स को पेयर बनाया जाता है। तो वंस और डोंट केयर, अगर डोंट केयर मौजूद हैं तो लेट्स से अभी हम सिर्फ वंस की बात करते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वन को पेयर बनाया जा सकता है उनको पेयर बनाएंगे। दूसरा रूल जो पेयर के लिहाज से है इम्पॉर्टेंट है, या कहेंगे पेयर के लिहाज से फॉलो किया जाता है, पेयर जब भी बनाया जाएगा तो कोशिश की जाएगी कि टू की पावर एन में पेयर बनाया जाए। टू की पावर एन से मुराद है वन, एक वेरिएबल का पेयर बनेगा, एक सेल का सिर्फ पेयर बन रहा होगा। टू की पावर टू वन, ये हो गया टू की पावर जीरो जो कि वन को शो कर रहा है, फिर टू की पावर वन आ गई आपके पास जो उसको शो कर रही है, फिर टू की पावर आपके पास टू आ गई जो फोर को शो कर रही है, फिर टू की पावर जैसे ही थ्री करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा एट एंड फिर सो ऑन, एट के बाद सिक्सटीन, 32, 64 एंड सो ऑन, टू की पावर के अंदर चल रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने तीन का पेयर नहीं बनाया है, तीन का पेयर नहीं बनता, टू सॉरी तीन यहाँ नहीं, थ्री यहाँ पे आ रहा होगा, तीन का पेयर नहीं बनता, फोर फाइव लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार टू का पेयर तो बन रहा है तो सिक्स का पेयर भी बना देते हैं, सिक्स का पेयर नहीं बनता। वैसे ही यहाँ पर टेन का और ट्वेल्व का, फोर्टीन का पेयर नहीं बन रहा होता, वन का बनता है, टू फोर एट सिक्सटीन का पेयर बन रहा होता है। ओके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने देखने, जितने भी साइड्स हैं वो आपस में एडजेसेंट हैं, आपस में एडजेसेंट से मुराद आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई से मुराद ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे दो रूम हैं और दोनों रूम की एक दरमियान की जो वॉल है वो कॉमन है, या कहें कि इस तरह से एक वॉल दो रूम के अंदर कॉमन है, वो वॉल कहलाती है कि, या वो जो दो रूम है वो आपस में एडजेसेंट कहलाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वॉल। उस वॉल की वजह से वो दोनों रूम आपस में क्या हैं, एडजेसेंट है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम ग्रुप एडजेसेंट सेल्स को बना सकते हैं। ओके, जब ग्रुपिंग की बात कर रहे होते हैं तो ग्रुप बनाने के लिए हम डायगनली यूज़ नहीं करते, डायगनली से मुराद ये है कि हम क्रॉस में नहीं जाते ग्रुप बनाने के लिए। ग्रुप बनता है आपके पास प्लस में, या ग्रुप बनता है आपके पास एल शेप में। आप डायगनली नहीं बना सकते ग्रुप, जैसा हमने यहाँ बताया 2, 4, 6, 8 के अंदर बनेगा ग्रुप, बनेगा या तो रोज में या कॉलम में, स्क्वायर में बन सकता है या रेक्टेंगल में बन सकता है। डायगनली सेल्स के अंदर ग्रुप बनाना अलाउ नहीं होता या हम नहीं बनाते। ओके, फिर हमारे पास कुछ चीज़ आती है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं SOP। SOP से मुराद है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट। KMap जब भी बनाया जाता है तो हमें ये होता है कि हम उसका जो एक्सप्रेशन है आउटपुट वो किस फॉर्म में लेकर आते हैं। दो तरह के आउटपुट के एक्सप्रेशन बनते हैं, एक बनता है आपके पास SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक बनता है आपके पास POS प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसके अंदर आप प्रोडक्ट टर्म्स को ऐड करते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट का टर्म्स को ऐड करते हो। दूसरी सम ऑफ प्रोडक्ट की खासियत ये है कि हम इसके अंदर वन वाले सेल्स को मिनिमम टर्म लेते हैं, या ये कहें कि वन वाले सेल्स जो हैं उनका ग्रुप बनाते हैं, जीरो वाले सेल्स का ग्रुप नहीं बनाते। जो बाकी सेल रह जाते हैं हम उनको क्या लिख देते हैं, जीरो।
ओके यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल यहाँ पर गिवन है। एक वेरिएबल है हमारे पास ए, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास बी, तीसरा वेरिएबल है हमारे पास सी। क्योंकि तीन वेरिएबल हैं तो हमारी मर्ज़ी है हम इसको वर्टिकल बनाएं, हॉरिजॉन्टल बनाएं, या हम इसको कॉलम वाइज बनाएं या रो वाइज बनाएं, हमारे ऊपर है। अगर आप इसको कॉलम वाइज बनाएंगे तो इस तरह की आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा होगा, रो वाइज बनाएंगे तो इस तरह की आपके पास ट्रुथ टेबल बन रहा होगा। करते क्या है, आपने ये वैल्यूज़ लिख ली सारी साइड वाली, इन साइड वाली वैल्यूज़ को लिखने के बाद आपने इनको चेक करना होता है कहाँ पे ये टर्म्स आपकी फुलफिल हो रही हैं। अब इन टर्म्स के लिहाज से अगर हम देखते हैं, हम मोस्टली बार वाली जितनी भी टर्म होती हैं, जितने भी कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म होती हैं, उनको ज़ीरो काउंट कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके अगेंस्ट में नंबर लिखता हूँ तो इसके ऊपर कोई बार नहीं, ये वन है। बी के ऊपर कोई बार नहीं, ये वन है। सी के ऊपर बार है तो ये क्या हो गया मेरे पास, ज़ीरो। मुझे एक ऐसी टर्म देखनी है जहाँ पे ए वन, बी वन और सी क्या हो, ज़ीरो हो। मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने देखा कि ए वन और बी वन कहाँ है, ये रहा ए वन और बी वन। इस रॉ में मेरे पास ए वन और बी वन मौजूद है। अब मुझे देखना है कि मेरे पास सी ज़ीरो कहाँ है, क्योंकि सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ ऊपर लिखी हुई है, तो मैं देखूँगा सी ज़ीरो कहाँ है। सी ज़ीरो यहाँ पर है, एक यहाँ पे मैंने लाइन बना ली। वो सेल जो आपस में इन दोनों रॉ को आपस में क्रॉस कर रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप क्या लिख देंगे, वन। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक वन, एक अदद वन मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया मेरे पास एक। अब दूसरी टर्म देखते हैं, दूसरी टर्म के अंदर मेरे पास ए वन है, बी ज़ीरो है और सी ज़ीरो है। मुझे देखना है कौन सी ऐसी टर्म है जहाँ पे ए वन, बी ज़ीरो और सी ज़ीरो। मैं ढूंढा, यहाँ पे ए ज़ीरो है पहली टर्म, यहाँ पे पहली सारी टर्म्स ए है और दूसरी टर्म्स बी है। ए ज़ीरो, ए ज़ीरो, ए वन, ए वन के बाद फिर मुझे देखना है बी ज़ीरो होना चाहिए, बी लेकिन यहाँ पे वन था, मैं और आगे बढ़ गया। ए वन उसके बाद बी ज़ीरो, ये रही मेरी ए और बी की रॉ, मैंने अपनी रॉ सेलेक्ट करी। उसके बाद फिर मुझे देखना है सी ज़ीरो, फिर वही वाली बात, सी ज़ीरो इसी हरी लाइन के अंदर आ रहा है, ये रहा वन। हमने देख लिया कि कहाँ पे हमारे पास चीज़ इंटरसेक्ट हो रही थी इसी रॉ के अंदर, फिर हमने उसके अगेंस्ट में क्या लिख दिया, ये रहा एक अदद वन। थर्ड के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू है, ए ज़ीरो है, बी वन और सी ज़ीरो। ए ज़ीरो ये रहा लेकिन बी वन नहीं है, हम और आगे बढ़ गए। ए ज़ीरो, बी वन, ये रही मेरी थर्ड रॉ। अब इत्तेफाक से तीन रॉ एक ही जगह पर आ गई हैं। फिर हम देखेंगे सी ज़ीरो, सी ज़ीरो मेरे पास इस ग्रीन लाइन के अंदर गिवन था। मैंने देख लिया कि थर्ड वाले जो था वन वो कहाँ आएगा, थर्ड वाला वन मेरे पास यहाँ पे आ रहा था। तो इस तरह से आपने अपने ये तीनों वन यहाँ पर मेंशन करे हैं, आपने अपने एक्सप्रेशन से अपने ट्रुथ टेबल के अंदर, अपने की मैप के अंदर आपने वैल्यूज़ को प्लेस कर लिया। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं रॉज में, अब ए अलग है, मुझे देखना है ए वन, दोनों में से ये ईजी है। ए के लिहाज से अगर देखते हैं तो ये ईजी है, सी के लिहाज से ये ईजी है। हमने देखा कि दोनों में से कौन सी चीज़ वन है, ए वन, ए वन ये वाला वन, तो ये वाली मैंने क्या करा, रॉ उठा ली। इस पूरी रॉ में मेरे पास ए वन मौजूद है, इस पूरी रॉ में मेरे पास ए वन मौजूद है। मुझे देखना है बी वन और सी ज़ीरो, बी वन और सी ज़ीरो। बी ज़ीरो सी देखने की ज़रूरत नहीं है, बी ज़ीरो सी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई। बी वन सी देखेंगे सी ज़ीरो है या नहीं, सी ज़ीरो नहीं था, मैं आगे बढ़ गया। बी वन सी क्या था, ज़ीरो। एक अदद मैंने क्या करा यहाँ पे, लॉक लगा। अब देखा इस रेड और इस ग्रीन के अंदर कहाँ पे मेरे पास ओवरलैप हो रहा था, जहाँ ओवरलैप हो रहा था वहाँ पे मैंने एक अदद वन क्रिएट कर दिया, ये रहा मेरे पास एक अदद वन। पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म देखेंगे कि मेरे पास वन और ज़ीरोस कहाँ आ रहे हैं। दूसरी टर्म के अंदर ए वन, बी ज़ीरो और सी ज़ीरो, ए वन, बी और सी ज़ीरो, ये रहा ए वन इस पूरी रॉ में, बी और सी ज़ीरो इस रॉ में, ये रहा मेरे पास वन। तीसरी टर्म में ए ज़ीरो है, अब मुझे इस रॉ की ज़रूरत नहीं, मैं अब इस रॉ को देखूँगा जो मेरे पास ऊपर गिवन है। मैं इस वाली रॉ को देख रहा हूँ, पूरी रॉ को, बी वन और सी ज़ीरो। सबसे पहले तो बी वन, बी वन इसके अंदर था, सी ज़ीरो नहीं है, ये रहा सी ज़ीरो, ये रहा मेरे पास
तीसरा वन। इस तरह से आपने अपनी इक्वेशन को देखते हुए अपने की मैप को फिल करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऊपर इन इक्वेशन के ऊपर वन और ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही यहाँ पे देख के उनकी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो। अब वही चीज़ अगर हम चार के अंदर देखते हैं, चार वेरिएबल के अंदर, लेट्स से इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ज़ीरो 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 वन, ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन कितनी बड़ी है, जितने ज़्यादा इनपुट आपकी इक्वेशन और ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना बड़ा है। वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर वन वन ज़ीरो, यस वन, फिर ये तीन वन और एक अदद ज़ीरो। लेट्स से ये मेरी फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट मिनिमम टर्म है, सेकंड मिनिमम टर्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, और इन सब को मिला के मैक्स टर्म, इन दो को मिला के मैक्स टर्म, इन दो को, इन दो को, इस तरह से आपके पास मैक्स टर्म्स बन रही होती हैं। ओके, पहली टर्म को देखते हैं, तीन ज़ीरो और एक वन। तीन ज़ीरो मतलब ए और बी ज़ीरो, मैं जो देख लूँगा ए और बी ज़ीरो कहाँ है, ए और बी ज़ीरो मेरे पास इस फॉर्मेट के अंदर आ रहा था। अब मुझे देखना है सी ज़ीरो और डी वन। सी पहली वाली टर्म ज़ीरो, लेकिन डी वन नहीं है, सी ज़ीरो और डी वन, ये रहा मेरे पास पहला वन, पहली टर्म का वन मैंने लिख लिया। अब मुझे दूसरी टर्म का वन देखना है। दूसरी टर्म में मेरे पास क्या था, ए ज़ीरो बी वन सी ज़ीरो डी वन, ए ज़ीरो और बी वन, सबसे पहले ए ज़ीरो बी वन, ए ज़ीरो बी वन इसके अंदर आ रहा है, ये रहा ए ज़ीरो बी वन। अब देखेंगे सी ज़ीरो और डी ज़ीरो, सी ज़ीरो और डी ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है इस पूरे कॉलम में, तो देख लेंगे कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये आपस में यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये वाला वन मैंने यहाँ पर लिख देंगे। अभी तो खैर यहाँ पे सारे वन्स और ज़ीरोस आपस में लिखे हुए हैं, आगे जाके हम देख लेंगे वन्स और ज़ीरो जहाँ पर नहीं लिखे हुए। वो टर्म्स जहाँ पे आपके पास ये वन्स नहीं आ रहे, वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ज़ीरो। जैसे अभी हम पिछली एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं अगर, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तीन वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ पे आपके पास वंस नहीं आ रहे थे, जैसे इन तीन के अलावा वंस नहीं आ रहे थे, तो हमने बाकियों के अंदर क्या कर दिया है, बाकियों के अंदर हमने सिर्फ ज़ीरो से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से आपने टू थ्री और फोर वेरिएबल को बनाना है। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड एसओपी। नॉन स्टैंडर्ड एसओपी कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड एस ओ पी कौन से होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एस ओ पीज़ वो होते हैं जिनके हर मिनिमम टर्म्स के अंदर सारे इनपुट्स मौजूद हों। सारे इनपुट्स से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे चार वेरिएबल है तो चारों वेरिएबल यहाँ पर मेरे पास मौजूद हों। हर टर्म के अंदर देखें आप, चारों वेरिएबल मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। तीन वेरिएबल हैं तो हर टर्म के अंदर मेरे पास तीन वेरिएबल मौजूद हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड एस ओ पी बोला जा रहा है। नॉन स्टैंडर्ड एस ओ पी के अंदर काम तो वही सेम होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क चेंज हो जाता है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, हमारे पास जो वेरिएबल्स आते हैं ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब है तो तीन वेरिएबल जैसे आप देख सकते हैं, ए अलग बी अलग सी अलग वेरिएबल है, लेकिन किसी भी मिनिमम टर्म के अंदर सारे वेरिएबल मौजूद नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपकी एक एक्सप्रेशन इस तरह से बनी हुई हो कि ए बी सी प्लस दूसरी इक्वेशन के अंदर आपके पास लिखा हुआ हो ए और सी, यहाँ पे बी मिस है, तो ये भी आपके पास नॉन स्टैंडर्ड टर्म कहलाएगी। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी आए जिसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल मिस हो जाए किसी भी मेन टर्म में, तो आपके पास नॉन स्टैंडर्ड कहलाती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखते हैं आपने क्या करना होता है, इन सब को मैप करना होता है। अब इन सब को मैप किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं हम ए की, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। ए सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए वन, हमने देखना कि ए वन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ए वन मेरे पास ये मौजूद है और ये मौजूद है, तो ऐसी सारी रॉज में जहाँ पर ए वन मौजूद है, इररिस्पेक्ट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी क्या है सी क्या है और दूसरे वेरिएबल क्या है, आपने वहाँ पे जाके क्या लिख देना है, वन। इन सब के अंदर आपने क्या लिख दिया, वन। बस यहाँ पे देखेंगे ए वन का, ए वन यहाँ नीचे था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी क्या है सी क्या है इस इन लॉज में, आपने उन सब के अंदर नीचे जाकर क्या लिख दिया है, वन।
पहली आपकी क्वेश्चन हो गई। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे मिनिमम टर्म की बात करते हैं। दूसरा मिनिमम टर्म आपके पास क्या है, बी और सी बार, बी वन क्योंकि बार लगा हुआ है तो इस वजह से ये क्या हो गया, सी ज़ीरो। इसको ढूंढना या कहें कि इसके जो आउटपुट के अंदर वैल्यूज आ रहे होंगे वो थोड़ी कम होंगी, ये हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट टू ए, ए की वैल्यू क्या है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है बी वन और सी ज़ीरो कहाँ पर मौजूद है। बी दूसरी वैल्यू है, ये वैल्यूज़ आपके पास बी मौजूद हैं और सी की वैल्यू ये है। सी बार मतलब हमें सिर्फ इसको देखना है, हमें इस वाली रॉ से कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखना है कि बी वन कहाँ कहाँ मौजूद है, बी वन इन दो एरियाज के अंदर मौजूद है तो हमने इन दोनों के अंदर वन लिख देना है। एक वन तो ये हो गया मेरे पास, दूसरा वन मुझे यहाँ लिखना है लेकिन यहाँ पे पहले से ये एक रेड वन या कहें कि इस ए का वन आ रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हमने लिख लिया या कहें कि हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर मौजूद है। वैसे इसकी बात करेंगे तो हमने देखना है बी वन और सी ज़ीरो, बी वन और सी ज़ीरो, बी वन यहाँ था लेकिन यहाँ पर सी वन था, बी वन और सी ज़ीरो यहाँ पर हमने वन लिख दिया और यहाँ पर भी हम वन लिखेंगे लेकिन यहाँ पर पहले से वन है तो इसका वन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अज्यूम करते हैं कि हाँ उस ए वाले ने इस वन को ओवरलैप कर लिया या आपस में पेयर होकर एक ही वन शो हो रहा है। ये एक और आपके पास एग्जांपल गिवन है फोर वेरिएबल की, सेम नॉन स्टैंडर्ड एसओपी, बाकी टर्म्स को हम वही करेंगे, बाकी टर्म्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो, जहाँ पे हमारे पास वंस नहीं आते वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ज़ीरो। अब इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर बात करते हैं, हमने सबसे पहले जो आसान है डी देखते हैं, डी वन कहाँ कहाँ पर है, डी वन मेरे पास इन ही दो जगहों पर है, और सॉरी डी वन जो है मेरे पास इन दो जगहों पर है, एक इसके अंदर डी वन मौजूद है और एक इसके अंदर डी वन मौजूद है, सॉरी ये नहीं, ये तो बी है आपके पास, डी वन जो है मेरे पास यहाँ ऊपर दो जगहों पे वन मौजूद है। इन दो कॉलम्स के अंदर इन रिस्पेक्ट के ए बी सी की वैल्यू क्या है, हमने सब जगह क्या लिख लिया है, वन, जैसे यहाँ पर वन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, पहला वेरिएबल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मिनिमम टर्म की, जो है ए और सी बार, ए और सी बार। अब हमने देखना है ए और सी बार कहाँ पे मौजूद है, हमने कौन से ए और सी बार को वन करना है। ए वन, ए ये रहा और सी ये रहा, ए वन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ए वन मेरे पास इन दो जगहों पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे देखना ये भी है कि जहाँ पर सी ज़ीरो, सी ज़ीरो यहाँ पर है और सी ज़ीरो यहाँ पर है, बाकी सी यहाँ पे वन है, यहाँ वन है, इसमें ज़ीरो और इसमें ज़ीरो है, तो मैं इन चारों जगहों पर वन लिखूँगा। इन दो पे तो मैंने वन लिख दिया, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वैसे ही ये इस ग्रीन की वजह से वन मौजूद है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वन नहीं लिखूँगा, मैं अज्यूम करूँगा कि मैंने यहाँ पर वन लिख दिया है। अब दो वेरिएबल हो गए, तीसरी वेरिएबल की बात करते हैं जो कि है हमारे पास बी और सी। बी और सी की अगर हम बात करते हैं, बी और सी है क्या हमारे पास, लेट्स से बी वन और सी वन, बी वन देखते हैं हमारे पास बी वन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, बी वन इस दो जगह पे हमारे पास बी वन मौजूद है, बाकी जगहों को इररिस्पेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि सी जहाँ जहाँ वन हो, सी यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, इसके अंदर सी वन है और इसके अंदर सी वन है, तो मैं इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूँगा इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये ग्रीन पहले ही मौजूद था तो यहाँ पे लिखे नहीं लिखे बात एक ही, यहाँ पे पहले से वन लिखा हुआ है, इन दो के अंदर वन नहीं लिखा हुआ था। जैसे अगर मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाऊं, अगर मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाऊं तो यहाँ पे जीरोस मौजूद थे लेकिन इसके आने के बाद यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वन। अब ये मेरे पास पूरा के मैप मौजूद है जो इस इक्वेशन को शो कर रहा है, बाकी सारी जगहें जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, जीरोस, ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, इस ज़ीरो का मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ ट्रुथ टेबल के अंदर ज़ीरोस थी या इनकी वैल्यूज़ वहाँ पे ट्रुथ टेबल में ज़ीरो थे। अब बात करते हैं हम इनको हमने मैप कैसे करना है, के मैप के अंदर ग्रुपिंग कैसे करनी है। ओके
ओके फिर वही वाली बात बताई हुई है कि एक सेल तीन वेरी, अगर आपने एक सेल उठाया तो तीन वेरिएबल होंगे, दो सेल उठाएं तो दो वेरिएबल, चार सेल उठाएं तो एक वेरिएबल, आठ सेल उठाएं तो भी वो मेरे ख्याल से एक फंक्शन आपको शो कर रहा होगा, पूरा फंक्शन, पूरे फंक्शन से मुराद ये है ए बी सी आ रहा होगा शायद आपके पास पूरा, या पूरा एफ आपके पास मौजूद होगा। चार वेरिएबल के अंदर अगर आपने एक सेल उठाया तो चार वेरिएबल, दो सेल उठाए तो तीन वेरिएबल, हो सकता है कोई एक वेरिएबल मिस हो जाए, ये एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। चार सेल उठाएं तो दो वेरिएबल, आठ सेल उठाएं तो एक वेरिएबल, जैसे अभी पीछे सिर्फ डी मौजूद था, और 16 या पूरे सेल उठा लिया आपने तो वो किसी एक फंक्शन को, एक पूरे एफ को शो कर रहा होगा। हम वेरिएबल की बात करते हैं थ्री से, जैसे हमने एडजेसेंट की बात की, एडजेसेंट क्या मुराद क्या है, ये वाला जो एक लास्ट सेल आप देख रहे हैं जिसको भी मैंने सर्कल करा है, ये लास्ट सेल अपने इस सेल के साथ भी पेयर बना सकता है, ये सेल इस सेल के साथ भी पेयर बना सकता है, क्योंकि ये इनके साथ इस लाइन और इस लाइन के साथ एडजेसेंट है, और यही एक वन घूम के इस सेल के साथ भी पेयर बना सकता है क्योंकि ये इसके साथ भी एडजेसेंट है। सही है, ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, इस बात का ख्याल रखना है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को पहले ही ग्रुपिंग के अंदर बता दिया है, हम इसके अंदर अलग अलग ग्रुप की बात करते हैं। पहला ग्रुप, इन दो वन का ग्रुप अगर हम बना, मैं बनाता हूँ तो इन दो वन के ग्रुप के अंदर मैं देख लूँगा आसपास कोई और वन तो नहीं है, ये वन इसके साथ था, लेकिन हम इस एल फॉर्मेट के अंदर नहीं बना सकते, हमें या तो इस तरह स्ट्रेट या इस तरह की स्ट्रेट फॉर्मेट बनानी है, तो इस तरह की स्ट्रेट फॉर्मेट या इस तरह की स्ट्रेट फॉर्मेट बन रही होगी, क्रॉस में नहीं बना सकते। तो हमने देखा और कोई वन नहीं मौजूद, हमने इन दोनों का एक पेयर बना दिया, ये पेयर वन हो गया। पेयर टू की बात करते हैं, यहाँ पे पेयर टू क्या था, मेरे पास इन दोनों वन का पेयर टू था। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वन तो इसके साथ भी एडजेसेंट है, तो मैंने इन तीनों का क्यों नहीं बना लिया, इन तीनों का इस वजह से नहीं बनाया है क्योंकि तीन का पेयर नहीं बनता, अभी हमने लास्ट उसमें बताया है टू की पावर एन का पेयर बनता है, और टू की पावर एन में तीन नहीं आता। अब क्योंकि ये एक अकेला बच रहा है, मुझे कोशिश करनी है इसको भी किसी के साथ पेयर कर दूँ, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से पेयर थ्री यहाँ पर एडजेसेंट कर दिया। पेयर वन की बात करते हैं, पेयर वन की अगर मैं बात करता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, पेयर वन की बात करते हैं। पेयर वन के अंदर मेरे पास तीनों तरह की वैल्यूज़ मौजूद होंगी, ए की वैल्यू भी मौजूद होगी, बी की वैल्यूज़ भी आ रही होंगी, और सी की वैल्यूज़ भी आ रही होंगी। सही है, मैं देख लेता हूँ कि पेयर वन में मेरे पास कितने वंस पेयर करें, मैंने दो वन पेयर करें, मतलब ए की दो वैल्यू, बी की दो वैल्यू, सी की दो वैल्यू, इस वन के पास भी ए बी सी की वैल्यू होगी, इस वन के पास भी ए बी सी और टी की वैल्यू होगी। अगर इस वन की बात करते हैं तो इस वन के पास मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे हम साइड में देख सकते हैं, ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू वन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू वन है। वैसे ही मैं इसके कॉलम में देख लेता हूँ तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ज़ीरो, सी की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो, ये एक वन को शो कर रहा है, कॉमा कॉमा कॉमा। दूसरे वन की बात करते हैं, दूसरे वन को हमने देख लेंगे ए बी और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने देखा ए और बी की वैल्यू क्या है, वन वन, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, और सी दोबारा से ऊपर जाके देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज़ीरो, सी की वैल्यू दोबारा से होगी हमारे पास ज़ीरो। ओके, ये एक्स्ट्रा चीज़ मिटा देते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे कि कौन सा पेयर कौन सा है। ये हो गया, हमने अपने दोनों जो पेयर बनाए थे उसको हमने लिख लिया। अब हमारा काम क्या होता है, हमने क्या करना है, जो डिफरेंट है उनको कैंसिल आउट करना है, सेम चीज़ रह जाती है, डिफरेंट चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। सेम चीज़ वन वन ज़ीरो ज़ीरो, डिफरेंट ज़ीरो वन, इसको मैंने क्या करा, कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास ये ए की पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई, बचा क्या, बी और सी, बी वन है तो इसलिए सिर्फ बी लिखेंगे, सी क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो है तो सी के ऊपर लिखेंगे बार, जो कि इस को शो कर रहा है, आप देख सकते हो। उसी तरह से ये येलो किसी को शो कर रहा होगा, इसी तरह से ये पिंक किसी को शो कर रहा होगा, लेट्स से पिंक को हम देख लेते हैं, ये जो थर्ड वाला वेरिएबल है,
इस वेरिएबल थ्री की बात करते हैं, वेरिएबल टू को आप अपने पास असाइनमेंट में चेक कर लीजिएगा अगर चाहते हैं चाह रहे हैं तो। सॉरी, इस ए बी और सी की बात करते हैं, इस ए बी और सी के अगर वेरिएबल की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू ये 10, इस पेयर के अंदर ए की वैल्यू क्या है 10 और सी क्या है 1, तो 10 और 1। दूसरा वन कौन सा, ये ऊपर वाला, इसके अंदर मैंने देख ली ए और बी दोनों 0 हैं, ए 0 बी 0 और सी क्या है 1। इस हिसाब से मेरे पास क्या चीज़ कैंसिल आउट हो गई, जो डिफरेंट है ए कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचता है बी बार और सी। ये पहली टर्म पर्पल वाली है और ये रेड टर्म ये, तो यकीनन ये येलो वाली टर्म ये ए और सी को शो कर रही होगी। वही सेम काम आपके पास यहाँ पे वर्टिकल वाले उसके अंदर भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल या कहें कि रॉ वाले के अंदर भी मौजूद होता है, या रॉ वाले के अंदर भी हम सेम तरीके से अपने आप को पेयर बना रहे होते हैं। खैर यहाँ पे सिर्फ पेयरिंग की बात है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी हम आगे वाले स्लाइड के अंदर जाकर देख लेंगे। ओके, यहाँ पे फिर आपने फिर वही और किस तरह से आपने बी को ए और सी को किस तरह से ग्रुप बनाना है। अब अगर हम यहाँ पे चार वेरिएबल की ग्रुप की बात करते हैं तो ये चारों वन यहाँ पे मौजूद थे, तो इसलिए हमने इन चारों को एक साथ पेयर बना दिया। और फिर इन तीन को हम पेयर नहीं बना सकते, दो का पेयर बनाना है तो दो का, हम यहाँ पे एक को भी पेयर कर सकते थे लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोला ज़्यादा से ज़्यादा वन होने चाहिए, तो इसलिए हमने इन दोनों को आपस में पेयर कर दिया। वैसे इसकी बात करते हैं, इन तीन को नहीं कर सकते थे तो दो को, इन दो को, इस एक को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो इसको, इसलिए यहाँ पे। ओके, एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ये वाला वन इसके साथ इस सेल के साथ एडजस्टमेंट है और उसके अलावा घूम कर इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है, इस ऊपर वाले के साथ सिर्फ एडजस्टमेंट है। ये घूम के इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसके साथ एडजस्टमेंट है और इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है। चार वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ पे चार वेरिएबल के अंदर भी सेम वैसे ही काम आता है, आपके पास सेम वही रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे होते हो। यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को पेयर नहीं बना सकते, चार का पेयर बन सकता था, ये चार का। अब ये एक वन और ये तीन वन बच रहे थे तो हमने क्या करा, इन दो को और इन दो को पेयर कर दिया। इन दो को अब भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इनको काउंट करेंगे तो ये 6 का पेयर बन जाएगा, तो वैसे यहाँ पर हमने शो करा हुआ है। ओके, जो ये आखिरी वाले कॉलम्स हैं या आखिरी वाले जो पेयर हैं, इसके अंदर एक चीज़ जो बतानी है, ये आखिरी वाले पेयर इसके साथ भी पेयर बनता है, ये इसके साथ भी पेयर बनता है और इसका पेयर इसके साथ भी होता है, ये सब आपस में एडजस्टेंट है एक दूसरे के। पेयर बनाते वक्त इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, ये होता है 4x4 में, 3x3 के अंदर क्योंकि हमारे पास स्क्वायर नहीं बन रहा होता इसलिए हम उसको ऐसे इस तरह एस सच यूज़ नहीं कर सकते। हम फंक्शन टेबल से या ट्रुथ टेबल से डायरेक्टली कैसे बनाते हैं, हम इस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। डायरेक्टली बनाने के लिए ये आपके पास एक ट्रुथ टेबल है, अगर मैं कहता हूँ यार ट्रुथ टेबल से मुझे किस तरह से अपना ये के मैप बनाना है और फिर इक्वेशन कैसे बनानी है, तीन तरह की चीज़ें हैं आपके पास, ट्रुथ टेबल, एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन जो अभी हम देख रहे थे, और सर्किट डायग्राम। इन तीनों का के मैप बनाया जा सकता है, ट्रुथ टेबल से के मैप बना के आप एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम बना सकते हो, एक्सप्रेशन से आप की मैप बना के सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल भी लिख सकते हो उसका। सर्किट डायग्राम देखते हुए आप उसके एक्सप्रेशन, की मैप, ट्रुथ टेबल, ये चारों फॉर्मेट बना सकते हो। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करता हूँ तो ये मेरे पास एक ऊपर एक ट्रुथ टेबल गिवन है, ये रहा, ओके, ये रहा मेरे पास एक अदर ट्रुथ टेबल ऊपर। इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए हमने क्या बनाया है अपना ये की मैप, करना क्या है, ट्रुथ टेबल से बहुत ज़्यादा आसान है, हमने सिर्फ ये देखना है कि वंस कहाँ कहाँ मौजूद है, वन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। वैसे ही अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इन वंस को, मेरे पास वन इसके अंदर मौजूद है, वन इसके अंदर मौजूद है, मेरे पास वन इसके अंदर मौजूद है, मेरे पास वन इसके अंदर मौजूद है, वन आउटपुट का देखा जा रहा है इनपुट का नहीं, वन इसके अंदर मौजूद है और वन इसके अंदर मौजूद है।
मेरे पास 1 2 3 4 5 छः वन मौजूद हैं, मुझे इन छः वन को ही सिर्फ क्या करना है, मैप करना है। अब मेरा काम क्या है, मुझे चेक करना है कि इन वंस के अंदर इनपुट क्या है। जैसे इस पहले वन की बात करते हैं, इस पहले वन का जो इनपुट है मेरे पास वो ये गिवन है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ वाजे इजीली नज़र आ जाए। इस वन के अंदर मेरे पास कौन से इनपुट गिवन है, ये मेरे पास इनपुट गिवन है पहले वन के अंदर। ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी ज़ीरो है और डी वन है। मुझे अपने ट्रुथ टेबल के अंदर जाकर सिर्फ ये देखना है कि ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी ज़ीरो कहाँ पर है और डी कहाँ पर वन है। ए ज़ीरो, बी ज़ीरो यहाँ पर है, मुझे सिर्फ देखना है सी ज़ीरो और डी वन। ये रहा सी ज़ीरो और डी वन, पहला वन मेरे पास यहाँ पर आएगा। फिर दूसरे के अंदर भी हम इसी तरह से देखेंगे, आपने इसको देखा ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी वन और डी वन। अब यहाँ पे दोनों सी और डी वन है तो सी और डी वन दूसरा वन मेरे पास यहाँ आ गया। उसी तरह से आपने सिर्फ ये देखना है कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट आउटपुट। जहाँ जहाँ पे वन है वहाँ वहाँ पे आपने उसके इनपुट्स देख लेने और फिर वहाँ पे आप वन लिख देंगे। या सिंपल आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जितने भी ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं ये सारे इन ब्लॉक्स को शो कर रही हैं। जैसे यहाँ पे चारों चीज़ें ज़ीरो हैं तो ये पहले वाले को शो कर रहा है। अब आप इस चीज़ को पहले लेके जाओगे पहली वाली स्लाइड के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर से मुराद अगर हम बैक स्लाइड्स के अंदर जाते हैं अपनी, ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास चार वेरिएबल के अंदर कुछ नंबर्स गिवन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15। ये सारे नंबर्स हैं क्या? अब ये बात आपको समझाने वाली बात है। ये सारे नंबर्स हैं उन ट्रुथ टेबल की पोजीशन या उन ट्रुथ टेबल की जो स्पेसिफिकेशन है, प्लेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ट्रुथ टेबल का सबसे पहला नंबर है या सबसे पहली एंट्री है जहाँ पे चारों चीज़ें मेरे पास क्या होती हैं, ज़ीरो। ये 15 जहाँ लिखा हुआ है ये सबसे लास्ट एंट्री है जहाँ पे मेरे पास चारों एंट्रियाँ मेरे पास क्या है, वन। देखें ए और बी भी वन है और इसमें सी और डी भी वन है। यहाँ पे ए और बी भी ज़ीरो है, सी और डी भी ज़ीरो है। अगर आपने इसको इस नंबर के लिहाज से याद करा हुआ है या इस नंबर के लिहाज से आपको चीज़ याद हो गई है, समझ में आ गई है कि किस तरह से लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे ट्रुथ टेबल सिर्फ देख के, आपको सिर्फ इनपुट देखने की ज़रूरत नहीं, आप उनके नंबर्स के लिहाज से भी उनके आउटपुट को प्लेस कर सकते हैं। होता क्या है, ज़ीरो ऐसे चलाया जाता है इसको, 0, 1। अब मुझे पता है कि मैंने एक वैल्यू स्किप की है तो इस कॉलम को स्किप करके ये रहा 2 और फिर 3, फिर नीचे आता है मेरे पास 4, 5, मैंने एक स्किप करा था तो इसको छोड़ के ये रहा मेरे पास 6 और फिर 7। वैसे ही जैसे मैं कॉलम में स्किप कर रहा था मैंने रॉज में भी तीसरे वाले लाइन को स्किप करा था, तीसरी लाइन ये नहीं, तीसरी लाइन मेरी ये हो गई। 7 के बाद मेरे पास आएगा 8, 9, एक स्किप करके 10, फिर 10 के बाद 11, फिर उसके बाद दोबारा से जो चीज़ हमने स्किप की थी उसको फिल करेंगे, 12, 13, एक स्किप करके 14 नंबर और फिर 15 नंबर। यही काम हमने आगे जाके अपनी उस स्लाइड के अंदर चेक करते हैं कि इसको अगर नंबर के लिहाज से हम देखते हैं तो क्या होगा। यही अगर मैं नंबर्स के लिहाज से यहाँ पे चेक करूं, वैसे भी अगर आप इसको, जो आपके पास ये इनपुट्स हैं इनको अगर आप बाइनरी कंसीडर करते हुए अगर आप इनके अगेंस्ट में इनके डेसिमल लिख लोगे तो भी आपको इजी हो जाएगा। लेट्स से कि ये बाइनरी, ये चार इनपुट बाइनरी है, चार इनपुट बाइनरी का अगर मैं डेसिमल लिखता हूँ तो ये डेसिमल पार्ट है मेरे पास, ओके। डेसिमल को मैं डी ई से यहाँ पे शो कर देता हूँ और वैसे यहाँ पे डी ई से शो कर देता हूँ। डेसिमल में मुझे पता है अगर चार इनपुट हैं तो 0 से 15 तक जाएगा, 0 ये 1, 2, 3 ऑटोमेटिक, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया मेरे पास, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लो बाइनरी की, वही वैल्यू आपको वहाँ पर मिल रही होगी। लेट्स से 10 का
बाइनरी चार नंबर का क्या होता है, 1010। फोर का बाइनरी चार नंबर क्या होता है, 0100। 15 का क्या होता है, 51। ओह सॉरी 41, नो 51 नहीं 41। अब आप इन्हीं को यहाँ पे देख लोगे, 10 क्या है, 1010। अगर ये पहले वाले सारे ए हैं, दूसरे वाले सारे बी हैं, तीसरा आपके पास सी है और चौथा डी है, तो अब आप देखो क्या है, 10, ये रहा मेरे पास 10 और ये रहे मेरे पास इनपुट्स इसके, इज इट इट 1010। फोर को देखो कहाँ है फोर, ये रहा फोर 0100, ये रहा 0100। 15 41, ये रहे 41। इस लास्ट वाले को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये तो एफ आउटपुट को शो कर रहा है। अब इन्हीं को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल मैं प्लेस करता हूँ क्या है वैल्यूज छोटी छोटी सी, ये 0 1, एक स्किप करके यहाँ पे 2 और फिर 3, फिर 4 5, जैसे वहाँ पे हम कर रहे थे, एक स्किप करके 6 और फिर स्किप वाली वैल्यू को हमने फिल करना है तो 6 के बाद 7। इस रॉ को स्किप करके हम इस वाले पे आते थे, जैसे हमने बताया था कि एक बिट को चेंज करना होता है, तो फिर 7 के बाद ये हो गई 8, एज ऑलवेज 9 10 11। ये ट्रिक है आपके पास इससे सॉल्व करने की, कह सकते हैं ट्रिक, 12 13, एक स्किप करके ये रहा 14 और 15। अब आपके पास ये काम आई गेस आसान हो जाएगा, आपने सिर्फ देखना है कि आपके पास वन कौन कौन से नंबर के अगेंस्ट में गिवन है। ओके, पहले इसको मिटा देते हैं जो और एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हमने किया हुआ है। ओके, अब हमने देखना है कि हमारे पास वन कौन कौन से नंबर के अगेंस्ट में गिवन है। वन हमारे पास गिवन है वन पे, वन हमारे पास गिवन है 3 पे, वन हमारे पास गिवन है 5 पे, वन हमारे पास गिवन है 7 पे। 1 3 5 7 कहाँ कहाँ है भैया, ये 1, ये रहा 3, देखो इन दोनों के आगे इसमें 1 है, 5 और 7 इन दोनों के आगे इसमें 1 है, बाकियों के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर और आगे चलते हैं, और कहाँ कहाँ पे आउटपुट के अंदर 1 है, 11 पे मेरे पास आउटपुट में 1 गिवन है और 13 पे 1 है, तो 11 और 13, ये रहा मेरे पास 13 और ये रहा मेरे पास 11, 9, ये रहा 10 मेरे पास और ये रहा मेरे पास 11, एक स्किप करके हमें आता 11। बाकी जो खाने हैं उसके अंदर क्या है आपके पास आउटपुट 0, तो यहाँ पर आपने हर जगह पे क्या लिखना है, 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। आपने इन अदर वर्ड आप ये कह रहे हो कि जितना भी आपके पास ट्रुथ टेबल होता है आप पूरे ट्रुथ टेबल को के मैप के अंदर इस तरह से मैप कर लेते हो। अब उसके बाद फिर आप अपने पेयर बनाओगे और वही फंक्शन जिस तरह से आप पहले कर रहे थे आपने वैसे ही अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ओके ना, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं इसको। सी बाकियों को उसने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर 0 शो कर दिया है और फिर अब हम अपने पेयर बनाएंगे, ये वही सेम हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पेयर बनाने के बाद इन्होंने क्या लिखा है, इसकी इक्वेशन। पेयर बनाने के बाद इक्वेशन कैसे बनी इसको देख लेते हैं। पहला पेयर इनका बना है ये वाला, सही आप देख सकते हैं ये बाहर वाला सर्किल। दूसरा पेयर जो इन्होंने बनाया है वो बनाया है इन्होंने ये वाला, आप ये देख सकते हैं ये वाला सर्किल। तीसरा पेयर थोड़ा सा इन्होंने जो बनाया है वो बनाया है इस तरह वाला, ये रहा इनका तीसरा पेयर। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये रहा मेरे पास तीसरा पेयर। अब अगर पेयर वन की बात करते हैं, लेट्स से रेड वाले पेयर की बात करते हैं, पेयर वन, अब क्योंकि चार वेरिएबल हैं तो ए बी सी डी, ए भी मौजूद होगा सब में, बी भी मौजूद होगा, सी भी मौजूद होगा और डी भी मौजूद होगा। मैंने चार का पेयर बनाया तो इस एक चार होंगे, बी चार होंगे, सी चार होंगे, डी चार होंगे, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी ज़ीरो, डी वन, तो 3 0 और 1 1। दूसरे वन की बात करते हैं, ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, इस वाले वन की, और सी वन, डी वन, 2 0 2 1, तो हमने 2 0 लिख दिए यहाँ पे, 1 0 2 0, लेट से इसको कंसीडर कर लें 0 और फिर आपने 2 1 लिख दिया यहाँ पे, 1 1 2 1, कंसीडर दिस एज 1। तीसरा वन ये है आपके पास,
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, चौथा वन आपके पास ये है 0 1 1 1 0 1 1 1. आपने क्या करना है, जैसे अभी लास्ट में बताया था, जो अपोजिट है उनको कैंसिल आउट करना है. अपोजिट में एक जीरो से, ओके मैं इसको कैंसिल किसी और कलर से कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में. एक जीरो से एक वन कैंसिल, एक जीरो से एक वन कैंसिल, वन से जीरो कैंसिल, वन जीरो से वन कैंसिल, या कहें कि न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिड और बेस टाइप की चीज़ थी. इस हिसाब से आपके पास बी पूरा कैंसिल हो गया है, सी पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास बस है सिर्फ ए और डी. ए सारे जीरो है तो आप लिख देंगे ए बार, और डी सारे वन है तो आप लिख देंगे डी. ये शो कर रहा है आपके इस पहले मिनिमम टर्म को. वैसे येलो किसी को शो कर रहा होगा, वैसे ही ग्रीन किसी और को शो कर रहा होगा. हम इसको सॉल्व करके फिर फर्दर इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. ओके, फिर हमारे पास आता है डोंट केयर. डोंट केयर वो वैल्यूज़ होती हैं जब हमें कुछ वैल्यूज़ को हम देखते हैं और बाकी वैल्यू को हम कहते हैं कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे अभी हम लास्ट उसमें पेयर बना रहे थे, हमने सिर्फ डी का पेयर बनाया, हमने सॉरी सिर्फ सी का पेयर बनाया, सिर्फ ई का पेयर बनाया, हमने बी और सी को छोड़ दिया. हमने सिर्फ डी का देख रहे थे कि डी कहाँ पे वन है, बाकी हम सबको छोड़ देते थे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे होता है. इन डोंट केयर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, और इनको एट अ टाइम ऑफ पेयरिंग कंसीडर किया जाता है एज अ वन. इनको पेयर के अंदर शामिल किया जाता है और कंसीडर किया जाता है एज अ वन. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है. अगर हम डोंट केयर को यूज़ नहीं करते तो हमारे पास इस तरह का सर्किट बन रहा होता है ए बार डी, सिर्फ हमने वंस को यूज़ किया. और अगर मैं डोंट केयर को यूज़ कर लूँ तो हमारे पास वही चीज़ सिर्फ क्या रह जाएगी, डी. डोंट केयर को भी यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पे शो किया है एज अ वन ट्रीट किया जाता है. फिर हमारे पास आता है दूसरी टर्म POS. POS सेम काम वही है हमारे पास, बस फर्क क्या है, हम इसके अंदर देख रहे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम SOP. ओके, अगर हम पिछली स्लाइड के अंदर जाके देखें, इसको SOP क्यों बोला जा रहा है. इसको SOP इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये एडिशन है किसकी, बहुत सारी मल्टीप्लाई होते हुए मिनिमम टर्म्स किए देंगे. ये एक मिनिमम टर्म है जो प्रोडक्ट है, ये एक मिनिमम टर्म है जो प्रोडक्ट है, ये एक मिनिमम टर्म है जो प्रोडक्ट है. हमने क्या करना है, सम किसका, प्रोडक्ट टर्म्स का, प्रोडक्ट टर्म्स का सम करना है. इसलिए हम इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी मिनिमम टर्म्स आपस में ऐड हो रही होंगी और हमने उसको क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे हम वंस के ऊपर काम नहीं करते, यहाँ पे हम जीरोस के ऊपर काम करते हैं. जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, हम वन और ज़ीरो दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सूरतों में काम कर सकते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है जैसे आप ऊपर देख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास सम होती हुई टर्म्स को हमने क्या किया है, आपस में प्रोडक्ट, और बाकी सारे रूल्स इसके अंदर सेम वैसे ही होते हैं, बस जीरोस को देखा जा रहा होता है इसमें. सी जीरोस को मैप किया हुआ हमने यहाँ पे. SOP के अंदर ग्रुप ऑफ वंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि POS के अंदर ग्रुप ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सी, फिर उसके बाद हमारे पास फाइव वेरिएबल आता है. फाइव वेरिएबल के अंदर इजी ये होता है कि हम फोर वेरिएबल का के मैप बनाते हैं जैसे ये बना हुआ है, और पांचवें वेरिएबल को हम अलग से बाहर कर देते हैं A0, जैसे यहाँ पे A0 लिखा है, और इसी की कंटिन्यू में एक A1 होगा. मतलब A भी आपके पास 0 और 1 होगा. अब आप देखें यहाँ पे काउंटिंग, ये 0 से 15 तक चली, और फिर जो दूसरा A1 था वो उसके अंदर ये 16 से चल रही है, फिर उसके अंदर ये 16 से चल रही है. फिर इसके आप मैपिंग करते हैं डिफरेंट तरह की. लेट्स से कोई भी आपके पास एक क्वेश्चन दी हुई है, उसके अंदर आपने 0 से 1 लिखे. हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं. अगर आपको ये देखना है तो आप इस बुक के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. आज की इस लेक्चर में यही तक था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.